नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। झरिया कोयलांचल में झारखंड कुलेरी मजदूर यूनियन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में रविवार को शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि मनाई गई व श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। यूनियन के केंद्रीय सचिव सपन बनर्जी के नेतृत्व में आवासीय कार्यालय से एक जुलूस निकाला गया, जो टाटा जामाडोबा महाप्रबंधक कार्यालय स्थित शहीद निर्मल महतो चौक पर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला अध्यक्ष रमेश टुड्डू और जिला सचिव पवन महतो ने केसीएन टीवी चैनल से बात की। आइए सुनते हैं द्वय नेताओं ने शहीद निर्मल महतो के जीवन के बारे में क्या कहा, उनसे क्या प्रेरणा लेने की लोगों को सीख लेनी चाहिए। आप बने रहें केसीएन टीवी चैनल के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। हमारे रिपोर्टर समीम शाह की रिपोर्ट। केसीएन टीवी चैनल पर आप समाचार और विज्ञापन देने के लिए हमारा संपर्क नंबर कर लें नोट, 8789366223। आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल पर शहीद निर्मल महतो चौक की यह तस्वीर, जो जामाडोबा स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के समीप है और लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और शहीद निर्मल महतो को याद कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेने की लोगों को सीख दे रहे हैं। शहादत दिवस है जी निर्मल महतो का, और निश्चित रूप से निर्मल महतो जी ने जिस प्रकार से अलग राज आंदोलन में अपना भूमिका निभाया था वो काफी प्रासंगिक है। युवाओं को एक प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार इन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में युवाओं को संगठित करते हुए लड़ाइयां लड़ी, अलग राज में अपना अहम भूमिका निभाया। युवाओं को भी चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के अन्याय के खिलाफ में हम निश्चित रूप से मुखर हों और शहीद निर्मल महतो के पद चिन्हों पर चल करके हम अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने राज्य का विकास करें। और निश्चित रूप से आज झारखंड में भी झारखंडियों का सरकार बना है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से वो आंदोलनकारी के पुत्र हैं। आज झारखंड में जिस प्रकार से कोविड के समय में हमारा सरकार का गठन हुआ और कोविड में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने काम करने का काम किया है, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम सर्वोच्च मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है। और निश्चित रूप से अब जो योजनाएं चलेगी यहाँ के झारखंडियों के हित में होगा, यहाँ के युवाओं के हित में होगा, यहाँ के माँ बहनों के हित में होगा, अल्पसंख्यकों के हित में होगा। निश्चित रूप से यह सरकार चहुंमुखी विकास करेगी। झारखंड में जो सरकार बना है हमारा हेमंत बाबू का, हाँ सर, आज थोड़ा संदेश दीजिए हमारे इस बार। हाँ, शहीद निर्मल महतो जी का 34वां बलिदान दिवस है। हमारे पार्टी के पहला केंद्रीय अध्यक्ष हमारे निर्मल दादा, आज विनोद राव भी हम लोगों के बीच में नहीं है। उन लोगों ने जो सपना देखा था कि अलग राज हम लोगों का शोषण से मुक्त अलग राज हो, अलग राज तो हम लोगों को हो गया और हम लोग हक और अधिकार के लिए अपना सरकार भी हम लोगों ने बनाया। धीरे धीरे शहीदों के सपनों का, शहीदों के विचारों का, शहीदों के अरमानों का ख्याल में रखते हुए हम लोगों के युवा मुख्यमंत्री उस दिशा में पहल कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी हम लोगों का जो शहीदों का सपना था, शहीदों का था, और झारखंडी यहाँ मूलवासी और आदिवासियों के हक में जो भी योजना था, यह योजना धरातल पर दिखेगा। कहा नाम है पूरा आपका? पवन महतो, जिला सचिव धनबाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।